प्यारे बच्चे अदा किए। और गाइज़ वेलकम टू वी एम लाइफ स्टाइल, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज जो है वो हम जा रहे हैं ऑर्फनेज, और ऑर्फनेज जो है वो उसकी मैं जो हूँ वो बोर्ड मेंबर हूँ, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं बच्चों से मिलने। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, सारे बच्चे दिखाऊँगी। और जो है वन मंथ पहले जो है वो हमारे ऑर्फन एज को 1 ईयर हो गया है, और आज जो है वो किसी वजह से उस टाइम नहीं हम कर सके सेलिब्रेशन, तो आज जो है वो हम जो है सेलिब्रेशन करेंगे ऑर्फन एज की, और सारे बोर्ड मेंबर्स आएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, उनके लिए ब्लेसिंग्स की लिए प्रे करेंगे। और जो है वो आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिएगा, और आगे मैं आपको बच्चों से भी मिलाऊंगी, और जहाँ पे वो रह रहे हैं वो वाले जगह भी दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून और आगे देखते रहें। मैंने सोचा कि हम जो हैं हम तो जाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों की प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ अभी जो है वो चलते हैं वहाँ पे और जाकर उनसे मिलते हैं। और शाजिया के साथ हम सब इसके साथ खड़े हैं, और मिलकर हम इस चीज़ को, इसके विजन को लेकर चल रहे हैं। और खुदावंद ने हमें 9 बहुत प्यारे बच्चे अदा किए, और कुछ बीच में आए भी, तो मैं आपके साथ पूरी जर्नी मई से इस मई तक की पूरी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे कैसे हम किस किस मरहले से गुजरे और क्या क्या हुआ। जैसे मैं अपनी दुआ में जिक्र करी थी कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया कि खुदावंद ने हमारा साथ छोड़ा हो, और कोई ऐसी ज़रूरत जो हमें इन बच्चों के लिए हो, क्योंकि शाजिया ने अपना घर भी खोला, अपना दिल भी खोला। आपको पता है ऊपर वाले पोर्शन में ये बच्चे हैं, नीचे ये खुद रहती है, और जाहिर है 9-12 भी फेंक पाएंगे। 12 फैमिली मेंबर्स अगर इंक्रीज हुए तो आपको पता ही है कि घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाता है 4 दिन के लिए, तो कैसे हम अपने बजट को, सेल टाइमिंग्स को, अटेंशन को कैसे हम ये बांटना होता है उन सब उनके लिए। तो हमने अपना पूरा, शाजिया ने अपना पूरा घर का टाइम टेबल, स्केड्यूल और सारा बजट जो है वो किस तरह से पूरा किया, जाहिर है हम सब उसके साथ थे तो ही मुमकिन हुआ कि वो ये कर पाते हैं। और हमारे दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे जिन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की इस काम में, वो आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास छोटे छोटे हमारे फरिश्ते हैं। सिल्विया खड़ी हो, ये सिल्विया है, ठीक है सिल्विया। रोमा, ये रोमा, ये रोमा, रोमा खड़े हो, रोमा खड़े। स्नेहा, ये स्नेहा देखो कितनी प्यारी है, ज्यादा प्यारी लगी है, तेरा अरूफा, ये छोटा है इस वक्त इन सब बच्चों में सबसे छोटा। उधर देखो, तालियां करेंगे। शारून जी, शारून शर्मिला, हमारे पास है हारून, छोटा हारून, 2 हारून, ये छोटा हारून। फिर आ जाता है यशवा, और फिर है जी बड़ा हारून। हेलो हेलो हेलो, चलो ये हमारे 9 एजेंट्स है इस वक्त जो हमारे साथ हैं। 4 बच्चे और जिन आए थे वो मैं बताऊंगी फिर क्या हुआ और कैसे बोले चले। तो मेरी ये छोटी सी जर्नी, ये सफर शुरू हुआ था, और शुरू में जाहिर है हमारा बेसिक जो फोकस था वो इनको प्रोवाइड करना था एक सेफ और सिक्योर जगह, क्योंकि जाहिर है अभी मैं
आप लोग को अंदाजा तो है क्या बैकग्राउंड है, किस किस हालात से ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनकी ये नीड्स थी, एक अच्छा सेफ घर और थ्री मील्स अ डे। बहुत बेसिक हमने जो एकेडमिक इनकी पढ़ाई थी जो हम घर में ही करा सकते थे, जैसे हमारे साथ दिया है, लीजा है और शाजिया खुद, तो ये बेसिक सी हमने मेन एज की शुरुआत की, अल्फाबेट्स और बेसिक बेसिक जो इंग्लिश मैथ्स की शुरुआत की। फिर जून का महीना आया, क्योंकि हमने हमारे पास एक टीचर था, उसकी बहुत बेहतरीन टीचर जिन्होंने वॉलंटियर किया कि वो, क्योंकि अभी हमें शुरू में तो मई जून में ऐसे ही था ना कि हम खुद ही थोड़ा बहुत कर रहे थे, फिर हमने शेयर किया लोगों के साथ कि अगर कोई अच्छी प्रोफेशनल हेल्प हमें दे जाए बच्चों के लिए, ताकि हम इनकी तैयारी करा सकें। स्कूल में तो हमने इनको डालना ही डालना है, अभी तक हमने नहीं डाला, साल हो गया है, क्योंकि हमें कोई ऐसा स्कूल जो हमारे बजट के मुताबिक हो वो मिला नहीं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इनको स्कूल तक भेजना, करीब कोई ऐसा स्कूल हमें मिला नहीं, सो अभी तक हम इनको स्कूल में नहीं दाखिल करवा पाए। ये भी एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें आपकी दुआओं की खास ज़रूरत है। जो अब तो खैर गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, अब हम थोड़ा बहुत उसको हमने ब्रेक भी दे दिया है और हम ढूंढ रहे हैं अच्छा स्कूलिंग के लिए। तो फिर हम यहाँ पर बैठी हुई थी कि हाँ उसमें पढ़ाती हैं, इन्होंने अपना वक्त जो है ना वो बच्चों को देना शुरू कर दिया जुलाई ऑगस्ट, तो ये फिर आती थी और बच्चों को पढ़ाती। और ये तो इनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ है जो इनकी जो दीदी है ये आपकी जो है वो इनको कराती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती हैं, क्राफ्ट, कलरिंग, कटिंग, पेस्टिंग, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। सो इनकी ये स्किल्स जो है, हाथों के जो हैंडमेड स्किल्स होते हैं, ये अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं। आगे आ गया अगस्त। सो अगस्त में काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि मई जून जुलाई तीन महीने गुजरे, तो जाहिर है हमारे लिए भी ये बिल्कुल एक ऐसा पीरियड था कि हमें भी लगा था कि नहीं नहीं सब बड़ा अच्छा है, हाँ बड़ा अच्छा, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ खुदा प्रोवाइड कर रहा है और खाना भी हो रहा है और सब चीज़ें अच्छी जा रही है, वॉलंटियर्स भी आ गए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जो आपकी सोच और समझ से भी बाहर होते हैं, तो हमने फेस किए और मेरा ख्याल है कुछ जो बहुत गलती है, मतलब मेरा ख्याल है सफल था कि क्या हुआ था हमारे साथ, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे हम गुजरे और हमारे लिए सीखने का मौका मिला कि हमने किस तरह से ऐसे चैलेंजेस दिए, ऐसे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होते उनको भी कैसे जीत करते। सो ये वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है चैलेंज, बिकॉज इट विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड हर चैलेंज जो हमारी जिंदगी में आता है वो हमारा बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, हमारे किरदार को भी बढ़ाता है और हमारे हमें स्ट्रेंथ भी देता है, हमें कुवत भी बख्शता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैलेंजेस। फिर सितंबर में अभी वो अंसर भाई आएंगे, अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा लेट हो गए, बिजी है, तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि बच्चे जो हैं ठीक है एकेडेमिकली भी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी भी हो रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी कुछ महसूस हुई, क्योंकि अब आप देखें ये घर है और ऊपर एक ये टेरेस है, सो वो एक ओपन जगह है इनके लिए जहाँ पर ये थोड़ा बहुत खेल वगैरह कर सकते हैं, फिजिकली हिल सकते हैं। फिर इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं आया करूँगा और हफ्ते में महीने में दो कई दफ़ा तीन दफ़ा भी आ जाते हैं, वो आते हैं बच्चों को ऊपर गेम्स वगैरह करते हैं, मज़ा आता था ना, अभी वो आएंगे। फिर ये कौन सा महीना सितंबर में और बड़ा कुछ हुआ कि ये जाहिर है हिरन क्योंकि हमारे साथ थी, तो हिरन के स्कूल में ना एक एक्टिविटी थी जो वो बच्चे और स्कूल वाले हमेशा करते हैं, वो डिग्निटी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वो उर्दू में क्या कहते हैं डिग्निटी डे, डिग्निफाई करते हैं उन ऐसे लोगों को, वो देते हैं सम्मान मान देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं और उस डे को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर वो उनको जो पता चला कि ये हिरन ने उनको बताया कि मैं शेल्टर होम में जाती हूँ, तो फिर उन्होंने बच्चों ने ना गिफ्ट्स वगैरह इन बच्चों के लिए इकट्ठा किए, सो ये उनकी कलेक्शन थी और उनका ये हार्ट जाहिर है खुदावन ने खोला, ठीक है ये फिर एक्टिविटी मिलेगी कि वो पढ़ा रहे दिखाना। ये उनकी टीचर्स हैं जो वहाँ से आई हैं, जाहिर है ये हमारी कम्युनिटी की नहीं है, ये बच्चे भी हमारी कम्युनिटी के नहीं है,
लेकिन ये एहसास उनको दिल में कौन दिला सकता है? खुदावंद ने समझ उनके दिल लिए, तो खुदावंद ने उनके दिल में डाली भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए, तो ये टीचर ने उनके साथ पोइम्स वगैरह थोड़े सेशंस भी लिए, तो एक बहुत ही मुनफरिद एक्सपीरियंस था ये हमारे, और हम लोग खुद बड़े जो थे ना अपलिफ्ट हुए थे कि देखो खुदावंद इस प्लेटफॉर्म से कैसे उन लोगों को हमारी तरफ लेकर आए, मतलब हम उनके पीछे नहीं गए, वो लोग हमारे पास आए अपने इस मोहब्बत को शेयर करने। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत एक बात हुई थी सेप्टेम्बर में। फिर ये एक्टिविटीज तो खैर बहुत सारी है, लेकिन हमने कुछ थोड़ी बहुत इसमें डाली। ये रिसाइकलिंग एक्टिविटी है जिसमें जो भी उनके रैपर्स बचे थे ना, जो वो बच्चे गिफ्ट लाए थे, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट्स के रैपर्स, उन सबको इकट्ठा करके रिसाइकलिंग करके फिर इन्होंने एक एक्टिविटी की चीजें बनाई, ये बटरफ्लाई बनाई और भी कुछ उन्होंने इसके साथ एक्टिविटीज। सो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया था कि चीजें जाया नहीं करते, उनको हम ऐसे रिसाइकल भी कर सकते। फिर अक्टूबर आ गया, तो अक्टूबर भी अच्छा, आपको पता मौसम की तब्दीली आती है, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर दिल करता है गर्मी से जरा बाहर निकले। तो फिर अक्टूबर में हम इनको, बल्कि हिरन की फैमिली ने ये वॉलंटियर किया कि हम इनको पार्क में लेकर जाते हैं, तो ये सारे बच्चों को लेकर पार्क में लेते थे, एक्टिविटी कराई, और जो उनकी पिक्चर्स देख के दिल को खुशी महसूस हुई, इनकी स्माइल्स देखकर, इंजॉयमेंट देखकर, और इनको जाहिर फिजिकली भी इन्होंने लोगों ने वहां पर बहुत इंजॉय किया, खेला। आपको नजर भी आ रहा होगा कैसे हंस रहे, खुश हो रहे। फिर नवंबर में अंसर भाई गए, जो जाने भी आते थे, अब अंसर भाई का थोड़ा सा ताल्लुक स्कूल से है, कुछ स्कूल से। फिर उनको जाहिर है हमने ये तो बताया था कि हम स्कूल में तो नहीं डाल पा रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी फ्यूचर के लिए कुछ बच्चों के लिए ना स्कूल से रिलेटेड स्कूल बैग, स्कूल बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, और ये उनका पहला स्कूल रिलेटेड जो था ना वो गिफ्ट था जो उधर से हमने नवम्बर। फिर जैसे ही दिसंबर आया तो आपको पता है क्या, व्हाट इज इन द एयर, क्रिसमस। तो जैसे ही दिसंबर शुरू होता है तो हम तो सोचना ही शुरू कर देते हैं क्रिसमस के बारे में कि अब ये करेंगे, मौसम भी बहुत प्यारा होता है। वापसी पर हम उसके घर गए थे, हम उधर आसिफ टाउन थे, तो मेरे बजे घर बिल्कुल खेलेगा, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों को मेरी तरफ जरूर लेकर आना है, तो बस बच्चों ने वहां भी गिफ्ट रिसीव किए और बड़ा वहां पर भी इंजॉय किया। फिर जनवरी हम दोबारा से अपनी टीम पर आए, और अभी हिरन तो कर ही नहीं थी अकेली, वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर। फिर थोड़ा सोचा कि अच्छा थोड़ी हिम्मत करो, मैंने भी एक दफा ये तो कोशिश की क्लास सुधराना थोड़ा एक शुरू किया, लेकिन अभी भी हमें था कि नहीं और भी होना चाहिए। फिर हमने और अपने ग्रुप्स बनाए और उसमें अपने लोगों को कहा कि हमें आए और हमारे साथ अपना टाइम दें बच्चों के लिए, तो हमारे पास तकरीबन 6 वॉलंटियर्स उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया, और वो खुद पूरा महीना टाइम स्लॉट उन्होंने अपने दिन खुद बताए, हमें अपने टाइमिंग्स बताए, हमने फिर उनको यहाँ पर वो बच्चों की आते थे क्लास लेते थे कि आपको नजर आ रही है, इन्होंने आपके बच्चों की क्लासेस दी। ये एक पार्टनरशिप थी जो जनवरी फरवरी अब तक चल रही है। ये भी एक वॉलंटियर है, ये आई है इधर भी आई थी, ये फिर अभी है। एक टीचर है जो एस कॉलेज के स्कूल में पढ़ाती है, वैविशिक का नाम है, ये भी आती है बच्चों को पढ़ाती है। ये भी एक साइकाइट्रिस्ट है ना, हाँ ये इन्होंने आगे ना थोड़े से बच्चों से थोड़ी बातचीत की, थोड़ा सा होता है ना कि आप उनके माइंड को समझें, थोड़ा रिलैक्स करें, कोई थेरेपी करें, तो इन्होंने आगे कुछ सेशंस किए थे बच्चों से। ये भी एक टीचर है जो इनका नाम एंटोनिया है, और ये अमेरिकन लाइसेंसर से पढ़ाती है, इन्होंने भी वॉलंटियर किया है, ये भी आगे बच्चों को पढ़ा। फिर ये फरवरी में ही एक घोड़ा है जिम ट्यूसडे का नाम, तो बस खुदावन कुछ दरवाजे खोल रहा है, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये आए हैं, इन्होंने विजिट किया है फरवरी में, तो फरवरी मार्च अप्रैल में जिम आ गया है, लेकिन ये कि अभी तक कुछ दुआएं हो रही है, अभी वो हमें कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ फंडरेजिंग करेंगे बच्चों के लिए, इसको
भी आप दुआ में रखें कि अगर हमारी इनके साथ कोई भूमि है पार्टनरशिप, तो खुदावंद जो भी रास्ता है, जो भी दरवाजा है, वो खुदावंद हमें जाहिर करे। अभी तक अभी कुछ नहीं, सिर्फ ये चार नहीं बच्चे एंजल्स जो है, ये हमें फरवरी में हमें उन्होंने अप्रोच किया। इस तरह हमें शाइन, सेरिका, एरिका और सिल्विया भी तभी आई थी, ये सिल्विया उसके बाद उनके साथ ही आई थी, लेकिन सिल्विया है। तो ये तीन बच्चे जो है ना, ये अब हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि पेरेंट्स दोनों थे, सेपरेशन थी, तो वो झगड़े में बच्चे जो थे ना वो बिल्कुल रुल रहे थे। तो किसी ने हमें, एक और ऑर्फनेज ने हमें कहा कि जी ये हमारी तरफ आना चाह रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, आप इनको रखो। तो फिर रिकमेंडेशन भी ऐसी थी, हमने सोचा ठीक है, लेकिन बस वो पेरेंट्स का दोनों का आपस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि ये रह नहीं सकते हमारे पास। तो ये अभी पिछले माह ही वापस हो, हाँ जी, मार्च में फिर मौसम जरा गर्मी की तरफ जा रहा था, तो फिर हमने सोचा एक विजिट और उनको लेके जाया जाए पार्क में। तो एक दिन ऐसी मौसम अच्छा था, हमने खाना तो बनता ही रोज, तो हमने खाना जो बना हुआ था वो खाया और बच्चों को लेकर हम ऐसी रैंडमली कोई बुलाया किसी को प्लान के हम इनको पार्क लेकर चले गए मॉडर्न टाउन का, मॉडर्न टाउन ये भी कुछ गिफ्ट थे जो हमें मिले, रिसीव हुए थे गिफ्ट पैक्स थे, ये कुछ रिसीव हुए थे, ये हमें रिचर्ड ने भेजे थे, हाँ रिचर्ड इन बच्चों को, सोफिया के हस्बैंड है। अच्छा जी, अप्रैल में फिर ईस्टर आता है, उसकी सेलिब्रेशन। हमारी एक बहुत प्यारी बहन है सबीना, इनका नाम है, तो अक्सर वो बात ही कुछ ना कुछ, कभी चावल की बोरी भिजवा देती हैं, कभी कुछ छोटी मोटे गिफ्ट, जैसे ये बच्चों के लिए ना ये गिफ्ट लेकर आई थी। तो अभी वो है नहीं, मुल्क में नहीं है, वरना वो आज जरूर हमारे साथ शामिल है। और फिर हम इनको काफी लेकर गए। तो ये मई का महीना है, लास्ट मंथ है। तो मई के महीने में फिर दोबारा से ईस्टर के बाद, क्योंकि ईस्टर की छुट्टियां थी, तो वहां जू लेते थे, तो ये शादी वगैरह और ये बच्चे सारे ये रिसेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, डब्बों के साथ, डब्बों की कटिंग करके उन्होंने घर बनाए थे। सो आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो बहुत इनके साथ होता रहता है, तो इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से ये देखे घर से बनाए हैं। तो थैंक यू मे टू मेक ये जर्नी के मन। आसान नहीं, जब इसको मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था आसान का, मैं बच्चों को रखूंगी और उनको खिलाऊंगी पढ़ाऊंगी बस, लेकिन ऐसा नहीं। हर लम्हे मुझे बहुत बड़ा बड़ा चाहिए था सामना करना पड़ा, लेकिन खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने बहुत कुछ सिखाया और उसके साथ साथ सब कुछ इंदान बता दिया। लेकिन जो अब हमारी बहुत ज़्यादा नीड है वो है स्कूल, इसलिए बच्चों का प्रेयर करें। इसको पूरा साल हमने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की है, मेरे बच्चे यहाँ से बैठे हैं, मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी नीचे उनको बिठाया नहीं। तो मैं समझती हूँ कि मैं खुदा मुझे लिए एक मौका दे और खुदा अपने उन बच्चों को एक ऐसा वसीला बनाए कि ये बच्चों की हम बहुत अच्छा। तो इसके लिए अब खुदा चाहे आप सब लोग पैसे को प्रेयर करें और बहुत जल्द खुदा मुझे मालूम होगा भी अभी मेरा ही मौका। और इस वक्त जो सबसे बड़ी उम्मीद है हमारे बच्चों के लिए वो है स्टडी। इसके अलावा खुदा का शुक्र है, खुदा हर चीज हमें मुहैया कर रहा है। इस छोटी सी जगह पे भी रहते हुए खुदा हर चीज हमारे बच्चों को दे रहा है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशल मैं इन्ना की तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोग से एडवाइस शेयर करना चाहती हूँ, जिस वक्त इस अदारे को मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन बहुत से लोगों ने किसी ने भी मेरा साथ देने से इनकार किया। अपने अदारे को रजिस्टर करवाना था, उसके पेपर्स थे मेरे पास, तो मैंने तिन्ना से एक बात की थी। मैंने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए मेरे साथ जो सिर्फ मेरे साथ जुड़े, मुझे आपकी सर यही हेल्प चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरे साथ काम करें, क्योंकि बस मैं चाहती हूँ मेरे साथ जुड़े और मुझे एक ऐसा ईमानदार इंसान चाहिए जो मेरे अदारे में शामिल हो। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बगैर कहने से पूछे, पूछा तो यकीनन होगा, लेकिन नहीं समझते कि वो रजामंदी नहीं थी भाई की, लेकिन उन्होंने वो हामी खरी और उन्होंने मेरे साथ चली। तो इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्र गुजार हमेशा। खुदा ने एक बहुत बड़ा प्लान था, उसमें बहुत से लोगों को जोड़ा था, तो मैं समझती अगर मैं तिन्ना को सीधे शामिल नहीं करती तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हो जाते जो मुझे गलत रास्ते लेके चलते। और मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी बात नहीं तो हमारे साथ शामिल हूँ, ये मत सोचिएगा कि वो पेड़ों की तारीफ करेंगे। ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि इस अदारे के साथ खुदा ने जिस शख्सियत को जोड़ा उसके लिए मैं हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। चलो हिरम बैठ लिया है, और हिरम से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं इसके लिए इसकी शुक्रगुजारी। पूरी फैमिली ने हमारा आपने भी देखा कि उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। जितनी मोहब्बत से जितने प्यार से हमेशा उन्होंने बच्चों को गाइड किया है पढ़ाया है, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने उस सबको एक खानदान की तरह जोड़ा है, तो जो भी मुश्किल आती हैं जो भी खुदा उसको ऐसे खत्म कर देता है। तो एक नए मेम्बर हमारे साथ चैनल को मैं चाहूँगी उनको बुलाऊँ और वो भी जरूर कुछ करें। सो अब मेरे से ज्यादा भाई की मर्जी चाहिए। मैंने उठने से पहले कहा था मैं थोड़ा सोच ली, तो अब आने वाले वक्त में जो भाई कहेंगे वो होगा। ये बोलती नहीं बाकी ये कि वो जब इससे मुझे कहा था ना पार्टनरशिप लिए तो मैं जॉब करती थी, तो मैंने इसको कहा कि शायद मैं टाइम तो इतना नहीं दे पाऊंगी लेकिन मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। उसके महीने बाद मेरी जॉब मगर मैं बहुत खुश हूँ जी। गाइस तो हम घर आ गए हैं, उम्मीद है आपको बच्चों को देखकर अच्छा लगा होगा, बच्चों को की बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। ये 1 ईयर का की जर्नी बच्चों के साथ हमारी अच्छी लगी होगी। तो गाइस बीच में कुछ पॉइंट्स थे जो रेज अप हुए, जो हमने आगे फर्दर करने हैं, जिसके लिए जो है वो सोचा हुआ है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। अगर कोई ऐसा है जिसको ये चीज़
का पता हो, जो जो चीज़ें राइज की गई हैं, मतलब जो जो चीज़ें बताई गई हैं, तो वो कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि हम किस तरह से जो है, सबसे बेसिक तो हमारा स्कूल का है, ठीक है, हम स्कूल का चाह रहे हैं बच्चों का करना, ठीक है, लेकिन जो है वो अभी तक हो नहीं पाया। तो अभी जो है वो एक स्कूल है जिसका हम देख रहे हैं, वो उनके ही जगह के पास है, तो दुआ में साथ रखिएगा कि वो वाले स्कूल का कुछ हो जाए। और आप लोग भी बताइएगा कोई भी फंडिंग स्कूल हो और कोई भी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का हो सके तो ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।